हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए और अपने अपने घर पे सेफ हो गए। और आज का ब्लॉग होने जा रहा है बहुत ज़्यादा स्पेशल। तो ये स्पेशल क्यों है तो ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो आज के ब्लॉग में जो स्पेशल है वो है पिज्ज़ा, और मैं घर में बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा। तो आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, वो भी विदाउट ओवन। तो चलो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल जो मैंने ले लिया है, और उसके बाद मैंने लिया है हाफ जो कटोरी है वो ली है मैंने मैदा, और जो उसके बाद मैंने उसमें मिक्स करा है। डाल रही हूँ मैं इसमें नमक एक स्पून, और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है बेकिंग पाउडर 1.5 स्पून डाली है मैंने बेकिंग पाउडर की। अच्छा लेना है, और उसके बाद मैंने डाला है बेकिंग सोडा 1/2 स्पून। देन जब मैंने इसमें ये सब चीज़ तीनों चीज़ें मिक्स करनी है, अब जब ये चीज़ें मैंने डाल दी थी तो उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा हाथ से वैसे ही थोड़ा मिक्स करा। एंड उसके बाद जो मैंने इसमें नेक्स्ट डाला है वो है, और मैंने अब इसमें मिक्स कर दी है दही, और जो दही है हमने इसी से ही इसको मतलब मिक्स करना है, गूंदना है। पानी को उसमें सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना है, बाकी इसको पूरा का पूरा हमने दही से ही ऐड करना है। मैंने दही की इसमें डाली है 5 स्पून डाली है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपको जितना लगे आप उतना डाल दें। हमने इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, तो आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, तो इसके बाद जब पानी ऐड हो जाएगा इसमें, जब इस पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैंने इसमें लगा दिया है थोड़ा थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं लगाना है। देखो मैंने थोड़ा थोड़ा, देख सकते हो आप, हाथ से ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा और कर दूँगी जो कि ऑयल है वो किस इसमें सब में हो जाए। हो गया है रेडी, और अब मैं इसको रखूँगी 15 मिनट के लिए इसको ढक ढुक के, और तब तक मैं करूँगी नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करती हूँ। देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही कट कर दिया था, तो मैंने थोड़ी सी ली है शिमला मिर्च, थोड़ा सा लिया है पनीर, और थोड़ा सा लिया है मैंने प्याज, और यहाँ पे जो है ये चिल्ली का जो है चिल्ली फ्लेक्स ली है मैंने थोड़ी सी, और मैंने थोड़ी सी ली है कॉर्न, और चटनी पहले से ही बना दी थी। इसका ये नेक्स्ट प्रोसेस जो कि हमने एक पैन लेना है, तो मैंने ये लिया है ऐसी कढ़ाई लेनी है, मतलब जो थोड़ी ऊँची सी हो, जिसमें मतलब हम इसमें डालेंगे हम नमक, एक कौली या दो कटोरी डाल सकते हो आप, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और मैंने इसमें डाली है मतलब 2 कटोरी, सोच लो छोटी छोटी मैंने 2 कटोरी इसमें नमक की डाली है। बाद जो मैंने इसमें लगाया है वो लगाया है मैंने एक स्टैंड, और अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप इसमें एक छोटी सी कटोरी भी लगा सकते हो, वो आप देख सकते हो जो आपके पास हो आप वो लगा दे। तब इसको आप ढक के 15 मिनट के लिए इसको नमक है जो उसको पकने दे, और उसके बाद इसमें पिज्ज़ा बनाए। जो इसका बेस है और जो पिज़्ज़ा है वो प्रज्वल ने ही बनाया है, तो आप देख सकते हो इसमें पहले आप नीचे, अगर आपके पास मक्की का आटा है तो आप वो लगा सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल से मैदा भी लगा सकते हो। तो अब प्रज्वल इसको बनाना शुरू कर रहा है। इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पतला बनाओगे इसका बेस तो ये टूट जाएगा, इसीलिए आपको मीडियम सा बनाना है इसका बेस। हो गया है बन के रेडी, और इसके बाद जो प्रज्वल ने प्लेट ली थी, या जो भी आप लो प्लेट लो या फिर आप थाली जो भी लो छोटी लो, और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना जिसलिए वो चिपके ना। उसमें प्रज्वल ने ऑयलिंग कर दी है, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें पेस्ट डालेंगे हम, और उसके बाद जो फिंगर से है जो लास्ट कॉर्नर है उसको इस तरह से दबा देंगे साइडों से, जिसलिए वो थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा जैसा हो जाए, इसीलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा साइडों से। नेक्स्ट प्रोसेस है ये है जो फॉग है, फॉग से इसमें इस तरह से छोटे छोटे इसमें होल टाइप से कर देने पूरे पिज्ज़ा में। जब आप इस प्रोसेस को पूरा कर लो तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो है आपका, जो आपके पास सॉस होगी, जो भी आपने इसके लिए चटनी बनाई होगी वो आपने इसके ऊपर पूरी तरह से लगा देनी है। जो ये चटनी है ये मैंने तो खुद बनाई है, अगर आप लोगों को भी ये चटनी बनानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लूँगी।
नेक्स्ट पड़ रहा है वो है चीज़। हम इसमें आप जितना चाहे चीज़ डाल सकते हो, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है चीज़ तो आप ज़्यादा डालिए, अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसमें कम चीज़ भी डाल सकते हो या इसको डाल भी नहीं सकते हो, वो आप पे डिपेंड है जैसा आपको अच्छा लगे। इसमें चीज़ तो डाल दिया है और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अब हम इसमें डालेंगे प्याज। आप अपनी 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 तरह से डेकोरेशन कर सकते हो, जैसे भी आप करो, जैसे मर्जी का। हम लोगों ने तो ये इस तरह से लगाए हैं और जो उसके बाद हमने नेक्स्ट अब हमने इसमें लगाया है शिमला मिर्च। अगर आपके हमारे पास तो ग्रीन ही थी यहाँ पे तो हमने ग्रीन लगा दी, अगर आपके पास रेड भी है तो आप इसमें रेड भी लगा सकते हो। अगर आपने टमाटो लगाना है आप वो भी लगा सकते हो, पर हमने नहीं लगाया क्योंकि हमको टमाटो तो पसंद है नहीं, इसलिए हमने वो नहीं लगाया। तो बाकी आप देख सकते हो। हमने इसके ऊपर से फिर से चीज़ डाला है, थोड़ा थोड़ा सा डाला है पर ज़्यादा नहीं डाला है, अब थोड़ा थोड़ा चीज़ डाला है हमने इसमें। हमने सबसे लास्ट में डाला है वो है चिल्ली फ्लेक्स। सबसे ऊपर हमने जो डाला है वो डाली है अब हमने चिल्ली फ्लेक्स। देख सकते हैं अब चिल्ली फ्लेक्स से कितना ही डिलीशियस लग रहा है पिज्ज़ा। और जब तक हमने पिज़्ज़ा तैयार किया तब तक हमारा यहाँ पे पैन भी गर्म हो गया है और अब हमने इसमें रख दिया है पिज्ज़े को। लास्ट में हमने जो किया है पिज़्ज़ा हमने इसमें रख दिया है और उसके बाद इसमें पूरी तरह से इसको कवर कर देना है, मतलब अच्छे से जो भी है इसमें ढक्कन अच्छी तरह से लगा देना है और इसको 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, कम फ्लेम पे छोड़ देना है इसको ऐसे। और देख सकते हैं आप हमारा पिज़्ज़ा हो गया है बनकर रेडी और इतना डिलीशियस और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हो कितना अच्छा है। आप मेरा पिज्जा सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा बना है, आप लोग भी घर पे ट्राई करें, बहुत ज्यादा यम्मी बना है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ आपके साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।